हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक्चुअली काफी एक ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी है, वेरी गुड इवनिंग स्नैक यू कैन से, दैट इज एग डेविल चॉप। बट इवन वेजिटेरियंस कैन ऑल्सो मेक इट बाय रिप्लेसिंग एग विथ पनीर। तो मैं आपको बाद में ड्यूरिंग माई रेसिपी मैं बताऊंगी किस तरह से कर सकते हैं। तो इन अ वे वी ऑल कैन एंजॉय इट। एंड या ओनली टू डेज इज लेफ्ट, दैट इज टू डेज 30th December 30, एंड एक दिन के बाद ही विल बी अ न्यू ईयर। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस टाइप कुछ एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इन केस इफ यू हैव अ पार्टी या फिर अगर फैमिली के साथ ही अगर इंजॉय करना चाह रहे हैं अपने घर में न्यू ईयर, सो देन वी कैन मेक इट एंड हैव क्वाइट लॉट ऑफ फन विद अवर फैमिली। और ये वैसे भी कोई भी पार्टी में या फिर कोई भी किटी पार्टी में ऑल्सो वी कैन मेक। सो आई थॉट कि एक ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट तो सिर्फ प्रेजेंटेशन में ही है, तो मुझे लगा आपसे शेयर करूं। तो चलिए थोड़ा सा बनाया जाए आज का वेरी स्पेशल बंगाली एग डेविल चॉप। आज के एग डेविल चॉप के लिए सबसे पहले मैंने ये 4 बॉइल्ड पोटेटोस लिए हैं। लगेंगे कुछ बॉइल्ड एग्स, बट आई विल शो यू कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विदाउट एग्स से भी हम इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा और इंटरेस्टिंग। तो मैं बना ही रही हूं, तो आप सेम टू सेम बना सकते हो बट माइनस द एग। तो फिलहाल तो मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉइल्ड पोटेटोस लिया है, अब इनमें को मैं मैश करूंगी। मैंने पोटेटोस को मैश कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और साथ में ये है कुछ चॉप्ड ग्रीन चिलीज। ये है सॉल्ट, थोड़ा सा मैं टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूं फॉर द कलर। अब मैं ऐड कर रही हूं 1/2 टीस्पून रोस्टेड मेथी पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर जो कि ये भी रोस्टेड है, 1/2 टीस्पून करीब गरम मसाला पाउडर। आई एम ऑल्सो एडिंग जिंजर, इसको मैं भी ग्रेट करूंगी। और ये है 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, सो आई विल ग्रेट एंड मिक्स इट इन दिस। कुछ एग्स को इस तरह से हाफ कट कर लिया है। एंड इन केस यू आर अ वेजिटेरियन देन डोंट वरी, आप इसके जगह पनीर के भी ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। एंड जो मैं इसका जो फाइनल रिजल्ट बनाऊंगी जिससे मुझे एक फुल एग की जरूरत है, उसको भी आप एक पनीर के ब्लॉक को इस एग शेप में कट करके जस्ट टू मेक द थीम आप उसको एक एग के शेप में भी कट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट और लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर से मैरिनेट भी कर सकते हो, बट आई लाइक इट द सिंपल वे ओनली। तो मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस मसाले में इनफ ऑलरेडी स्पाइसेस है, वो वैसे भी जो हम लोग बाइट करेंगे तो इट विल कम विद द एग, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे एग को लेके आई विल कवर इट विद द पोटेटो मिक्स। तो ये इस तरह से मैंने वापस एग के शेप में ही इसको कवर कर दिया है उस हाफ एग को, और एकदम टाइटली प्रेस करके करना है जिससे कि बिल्कुल भी स्पेस या एयर ना रहे। तो बिल्कुल ऐसे प्रेस करते हुए हल्के हाथों से उसको एक ओवल शेप में फिर से ले आना है। तो मैं इसी तरह से बाकी 4 बना लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 4 डेविल चॉप बना लिए हैं और 2 अंडों से मतलब 2 एग को हाफ हाफ कट करके 4 बन गए और ये 3 अभी बचे हैं। और साथ में टू मेक द हेड्स तो मैंने सिर्फ सिंपल ऐसे भी 2 बोल्स बनाए हैं,
ये एक मम्मा डक और एक पापा डक के हेड्स बनेंगे इसलिए. और इनको अगर आप चाहो तो ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हो. इफ यू आर वेजिटेरियन डोंट वांट टू ईट एग, तो आप ऐसे भी इसको जैसे मैं बनाऊंगी वैसे भी इसको फ्राई करके खा सकते हो. बहुत ही टेस्टी बनता है. तो दिस इज ब्रेड क्रम्स. और अभी मैं एक अंडा यहाँ पे तोड़ के आई विल विस्क इट. इन चॉप्स को मैं पहले एग विस्क में डिप करूंगी एंड देन आई विल रोल देम विद ब्रेड क्रम्स एंड देन आई विल फ्राई देम. और इस तरह से जो मैंने हेड्स बनाने के लिए जो मैंने बोल्स लिए थे उनको भी मैं ऐसे ही करूंगी. तो बस इनको अब एक एक करके डिप करना है और फ्राई करना है. ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाया, इट्स वेरी इजी टू मेक. आप जस्ट कुछ ब्रेड को बहुत ही हार्ड टोस्ट कर लो एंड ब्लेंड इट इन योर मिक्सी, तो बस ये तैयार हो जाएगा. एंड इन केस यू डोंट हैव एनी ब्रेड क्रम्स देन यू कैन ऑल्सो यूज द सिंपल बिस्किट्स लाइक जो मेरी गोल्ड बिस्किट्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, तो वो भी काफी टेस्टी लगता है. एंड इवन अगर वो भी ना रहे यू कैन यूज कॉर्नफ्लेक्स ऑल्सो. कॉर्नफ्लेक्स को भी आप ग्राइंड करके हम लोग इस तरह से कोटिंग करें वो भी बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी होता है. नाउ कम्स द प्लेटिंग पार्ट. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बच्चों को भी खासकर बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने एक व्हाइट प्लेट लिया है और मैंने यहाँ पे एक और आलू को थोड़ा सा मैश करके लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऐड किया है. इससे मैं एक्चुअली नेस्ट बनाऊंगी. और इसको थोड़ा सा एक हे टाइप लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर आलू भुज्जी से कोट करूंगी. तो एक ड्राइड हे ऑफ ग्रास टाइप दिखेगा, तो बस उसको मैं ऐसे पैट करके बिठा दूंगी इसके ऊपर. और इस तरह से अगर आपके पास टूथपिक हो तो वेरी गुड, बट आई डिडंट हैव अ टूथपिक राइट नाउ एट माय होम. तो मैंने ऐसे मैटस्टिक का जो ये पार्ट है इसको तोड़ के निकाल दिया है और इस तरह से मैंने इसको वॉश करके ऐसे दो स्टिक्स निकाल लिया है फ्रॉम द मैटस्टिक. तो नाउ आई विल यूज इट टू जॉइन द हेड एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द डक्स. फॉर द आईज मैंने ये छोटा सा व्हाइट कलर का सर्कल पीस निकाला है फ्रॉम रेडिश मतलब मूली. और मैंने एक यहाँ पे छोटा सा ऐसे नाइफ के एज से होल करके रखा है एंड इन दैट आई एम यूजिंग दिस ग्लव लॉन्ग. तो ये उसके आईज बन जाएंगे. बस ऐसे इसको प्रेस करना है एंड वी हैव टू हल्के से प्रेस कर देना है इसके अंदर. Thank you.
एंड इन द सेम वे मैंने कैरेट्स के इस तरह के लोअर एंड को निकाल के ऐसे मैंने स्टिक्स लगा दिए हैं और अभी मैं इनको ऐसे बीक आई विल पुट इट ऑन द फेस. मैंने ऐसे क्यूकम्बर को आई हैव ग्रेटेड विद द स्किन जिससे कि थोड़ा ग्रीन कलर का इफेक्ट आया तो आई विल यूज इट एज द ग्रास. तो ये मैंने जो ग्रेटेड क्यूकम्बर्स है उनको एज अ ग्रास टाइप यहाँ पे बिछा दिया है एंड आर लिटिल क्यूट सा फैमिली ऑफ मामा डग पापा डग एंड देयर नेस्ट विथ एन एग इज रेडी.